अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपका जॉब्स कैरियर अपडेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे एक स्कॉलरशिप की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जॉब्स कैरियर अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा। तो इंटरनेशनल साइंस ओलंपिक जो है वो स्कॉलरशिप है, आपको मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपिक IMO इन जापान, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपिक इन जापान, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपिक इन रशिया, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपिक इन स्विट्जरलैंड, ऑल इन July 2023, ठीक है। ये 19वीं जो है वो नेशनल साइंस टैलेंट कंटेस्ट है, ठीक है। जो गोल्ड मेडल है वो 1,20,000 रुपये, जो सिल्वर मेडल है वो 80,000 रुपये, ब्रॉन्ज मेडल 60,000 रुपये, ऑनरेबल मैंशन 50,000, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन 20,000। अगर इसकी बात करें कि कौन से स्टूडेंट या कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो करंटली जो है वो FSC पार्ट 2 में या A-level पार्ट 2 में स्टडी कर रहे हैं, और आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। जो करंटली स्टडी कर रहे हैं FSC पार्ट 2 में, A-level पार्ट 2 में और यूनिवर्सिटी में, ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो इनएलिजिबल हैं। एलिजिबल कौन से हैं जी? स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास और 11वीं क्लास वाले, ठीक है। मैट्रिक ओ लेवल, FSC पार्ट 1, A-level पार्ट 1, ठीक है, ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट आपका 60% मार्क्स आपके होने चाहिए इन मेजर सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स में, इन लास्ट एग्जाम जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है। एज आपकी 30 जून 2023 से पहले जो है वो 20 साल जो है वो होनी चाहिए, यानी कि 20 साल से कम होनी चाहिए। 20 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया तो आप इन एलिजिबल होंगे। तो उसके बाद बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की, जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वो 19 मेजर सिटीज में लिया जाएगा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भावलपुर, मुल्तान, सरगोधा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, DI खान, पिशावर, एबटाबाद, सक्कड़, चित्राल, सवात, हैदराबाद, कराची, मुजफ्फराबाद, गिलगित, क्वेटा। लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 15 फरवरी 2022, और जो टेस्ट डेट है वो आपकी मार्च 2022 में होगा टेस्ट, लेकिन अभी तक डेट फाइनल नहीं है, लेकिन मार्च के मंथ में आपका टेस्ट होगा। लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है www.stem.edu.pk/registration। ये गूगल पे लिखो, आपके सामने ये वाला ऑफिशियल आ जाएगा। स्टेम कैरियर प्रोग्राम है, जॉइंट वेंचर ऑफ हायर HEC के जो बना हुआ है, ठीक है, यानी कि HEC के साथ इनका कंटेक्ट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज प्यास, HEC इनके साथ स्टेम कैरियर प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया है +92519040216 15। ईमेल है जी stem@hec.government.pk, stem@pyas.edu.pk, ठीक है। फेसबुक का भी पेज दिया गया है। आप ये वाली जो मैंने अभी वेबसाइट बोली है ना www.stem.edu.pk/registration, यहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। सिटीज़ भी मैंने बता दिया कि किन सिटीज़ में ये वाला टेस्ट होगा। लास्ट डेट 15 फरवरी 2022 है, टेस्ट आपका मार्च 2022 में लिया जाएगा, और डेट अभी फाइनल नहीं है टेस्ट की। और एलिजिबल क्राइटेरिया कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? 9th, 10th, 11th, मैट्रिक, ओ लेवल, FSC पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 वाले नहीं अप्लाई कर सकते, A-level पार्ट 2 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। एज भी मैंने बता दी है। उम्मीद है कि आपकी सारी डिटेल आपको मिल गई होगी इस वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, जॉब्स कैरियर अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।